अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखते हैं पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या काम करता है कि बेसिकली ये तो एक फ्री टूल है, हमारे पास ये अवेलेबल है कि इससे आप कोई सी भी चीज़ बना सकते हैं, किसी भी अंदाज से आप किसी चीज़ को घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालना चाहें हम डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का हम लिखना चाहें तो वो हम पेंट कर सकते हैं कि भाई मैं आर और आई हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो एक पेंट ब्रश से आर्ट पेंट वो पेंट ब्रश से जो है मैंने इसको लिख लिया। लेकिन अब इसको लिख तो लिया, इसको मैं बहुत अच्छे अच्छे अंदाजों से इसको चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये मैंने उल्टा सीधा एक बना दिया है और इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मदद से, अपने सिलेक्शन टूल की मदद से। ऐसा है जैसे ऐसा ही नहीं बना तो मैं इसको दोबारा भी बना सकता हूँ या किसी और स्टाइल से भी बना सकता हूँ इसका। बेसिकली इस वक्त हम समझना चाहते हैं कि ब्रश टूल हमारा क्या क्या काम करता है। तो ब्रश टूल से मैंने पहले क्या काम किया कि एक टेक्स्ट लिख लिया और उस टेक्स्ट को बहुत अच्छे अंदाज से हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई फ्लावर बना सकते हैं, आप और बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। ले लिया मैंने। अच्छा, अब मैं इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकता हूँ, इसकी अपीरियंस को चेंज कर सकता हूँ। तो पहले इसकी अपीरियंस को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास मौजूद होता है विंडोज़, विंडोज़ के अंदर हम आएँ और यहाँ रहे ब्रशेस। तो ब्रशेस की पूरी एक लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है कि अगर आप चाहते हैं कोई एरोज़ हैं और बहुत अच्छे अच्छे एरोज़ चाहते हैं तो वो स्पेशली एरोज़ और बहुत सारी चीज़ें पैटर्न्स यहाँ मौजूद हैं। तो फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो ब्रशेस की जो है ना एक ख़ास कलेक्शन आ जाए। तो मैं ब्रशेस को लेना चाहता हूँ मेन। तो ये देखिए मेरे पास मुख्तलिफ ब्रशेस आ गए, ये एरोज़ अपनी जगह रखे हुए हैं। मैं एरोज़ को फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। और आर्टिस्टिक पेंट ब्रश, आर्टिस्टिक पेंट ब्रश से बात ये कि मैंने एक काम ये किया कि कोई से भी टेक्स्ट लिख लिया या किसी किस्म की कोई ड्राइंग बना ली और उसको मैं चाहता हूँ कि अब वो ज़रा सा ना आर्टिस्टिक स्टाइल के अंदर आ जाए। तो अभी देखिए कि उस ब्रश की मदद से कितने मज़े से ये आसानी से ये चेंज हो गया। ये देखिए अब लिखा इतना अच्छा नहीं गया था लेकिन जो ब्रशेस लगने की वजह से उसके अंदर एक अजीब सी जो खूबसूरती जो है ना वो पैदा हो गई। और अब मज़ीद भी मैं इसको एडिट करके और चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ब्लैक कलर है, इसको मैं ऑरेंज में कर लेता हूँ, किसी और स्टाइल में कर लेता हूँ, जैसे मैं करना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमारा बड़ी ज़बरदस्त सहूलत मौजूद है कि आप किसी भी ब्रश को बनाएं और बनाने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये हो गई। इसी तरीके से हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास और ब्रशेस आ जाएँ। तो ये देखिए ब्रशेस की हमारे पास एक पूरी एक रेंज मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करें तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रशेस भी आ सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये एक ख़ास स्टाइल से चेंज हो जाए जिसमें आपको अच्छा लगे। और ये ब्रशेस की क्वालिटी ये है कि आप खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वाटर कलर के ब्रशेस आ गए हमारे पास। ये देखिए ये कितना अच्छा इसमें जो है ना ये लग रहा है। बहरहाल मुझे तो सबसे पहला वाला अच्छा लग रहा था लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये ब्रशेस का हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये आर्टिस्टिक स्टाइल से हमें नज़र आए। और ये आप ब्रशेस लेके आप बहुत सारी चीज़ें लिख भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। ये हमने कर दिया और ये हमारे पास एक ये चीज़ आ गई। उसके अलावा हम कुछ टिक्स हैं या क्रॉसेस हैं हम यूज़ करना चाहें तो हम क्रॉसेस बना सकते हैं। तो इसके आप स्टाइल्स कलर जो दिल चाहे आप मज़े से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अच्छा ब्रशेस में एक काम ये होता है कि आपने ब्रश लिया और ब्रशेस में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है पैटर्न का। हम चाहते हैं कि एक ख़ास किस्म का जो है ब्रश हम बनाएं और उसका एक पैटर्न हमारे पास अप्लाई हो जाए, या हम अपनी मर्ज़ी से कोई ख़ास चीज़ बनाना चाहते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि एक एरोनुमा, ये रहे हमारे ब्रशेस, इसमें ब्रशेस में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक मेरे पास है, एक ब्रश मेरा बन गया। अब ये एक ब्रश तो हमारे पास बन गया लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से भी एक ब्रश बना सकते हैं। मसलन इस ब्रश को उठाया, इसको मैंने एक्सपेंड किया, ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस, एक्सपेंड अपीयरेंस करने के बाद इसको उठा के इसको ब्रश के सेक्शन में मैंने ड्रैग किया। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा आर्ट ब्रश। जैसे ही मैं आर्ट ब्रश के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा,
तो ये मुझे बता देगा कि आपका आर्ट ब्रश इस तरह चल रहा है, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये यूँ चले, इस पोजीशन पे चले। तो मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अभी देखिए, अपने ब्रश लिया, अब ये टूल मेरे को सेलेक्ट है। तो अब मैं जैसे जैसे इसको चलाऊँगा, जैसे जैसे इसको घुमाऊँगा फिराऊँगा, ये उसी के मुताबिक जो है ब्रश को कन्वर्ट कर देगा। तो एक तो अभी क्या हुआ कि एक चीज़ में लेना चाहता था, इसने उस ब्रश को छेड़ दिया, अपनी मर्जी से जो है उसको मोल्ड कर दिया। अब देखिए यही शेप है और उसको मुख्तलिफ एंगल से हम कर रहे हैं तो किस तरीके से वो काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है कि अभी तो क्या हुआ कि ये क्लाइंट को स्ट्रेच किया चला रहा है। सेकंड काम क्या करेगा, वो यही चाहता हूँ कि यही जो आर्ट ब्रश है हमारा, ये हमारा पैटर्न ब्रश बन जाए। पैटर्न ब्रश से क्या फ़ायदा होगा, आप देखिएगा जैसे ये पैटर्न ब्रश बनेगा, मैंने इसको ड्रैग पिक किया और दोबारा इसी ब्रश की विंडो में डाला और उसको पैटर्न कर दिया। ओके किया, जैसे ही पैटर्न किया तो देखिए हमें बता रहा है कि किस तरीके से काम करेगा। इसके अंदर मैं कॉर्नर में चाहता हूँ कि ये हमारा नन रहे फिलहाल। ओके करता हूँ, और अब देखिए कि जब मैं आर्ट ब्रश इसका यूज़ करूँगा, ये मेरा सेलेक्ट है और ये इसको मैं घुमाता हूँ फिराता हूँ, तो देखिए ये क्या काम कर रहा है, आपका पूरे के अंदर उसी अंदाज से उसको मूव कर रहा है जिस अंदाज से मैं चाहता था। अच्छा, अब ये हमें कहीं बहुत बड़ा लग रहा होता है, छोटा लग रहा होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रोक में आएँ और इसके स्ट्रोक को कम कर सकते हैं। ये स्ट्रोक से कंट्रोल होता है, जैसे मैंने स्ट्रोक कम किया तो आपका इस तरीके से हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपने अगर कोई सर्किल लिया, मैं चाहता हूँ कोई सर्किल लेना, सर्किल लिया और मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये अप्लाई हो जाए, तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसमें अप्लाई हो गया। इसको मैं कम करना चाहता हूँ तो ये कम हो जाएगा, और एक आपने पैटर्न यूँ ले लिया, दूसरा मैंने लिया, और दूसरे में मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कम हो जाए 0.25, ये 0.25 कम हो गया, और ये जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यहाँ आया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद मैंने सोच दिया रिफ्लेक्ट और ओके किया। तो अब एक राइट साइड पे जा रहा है और एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और इन दोनों को पकड़ के मैं इसको कर देता हूँ अलाइन, और एक को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऑल दबा के। ये देखिए तो कितना अच्छा और बेहतरीन तरीके से बहुत कम वक्त में हमारा जो है एक सर्किल का एक पैटर्न हमारे पास बन गया। तो ये फ़ायदा होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से कोई ब्रश जो है ना वो क्रिएट होगा। तो हमारे पास एक ब्रश के अंदर ब्रश टूल हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया, पैटर्न ब्रश हो गया, एक आर्ट ब्रश हो गया और एक पैटर्न ब्रश हो गया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये एक ख़ास काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ आर्टिस्टिक ब्रशेस अप्लाई करूँ, जैसे मैंने पहले किया था। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए, तो देखिए ये भी सर्किल वगैरह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मज़ीद इसके ऑप्शंस में लेने के लिए यहाँ अगर मेरे को अवेलेबल है तो ठीक है, वरना मैं चला जाता हूँ अपनी विंडो में। आर्टिस्टिक ये पेंट ब्रश यहाँ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अमून जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि बाहर वाले में ज़रा सॉफ्ट ये चले, और अंदर वाला जो है हमारा थोड़ा सा हार्ड रहे, और फिर इसके बीच में हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकें। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ और देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपके पास एक पैटर्न क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसके बीच में मैं एक बस लगा के और यहाँ मैंने लिख दिया AI। और इसके बीच में आप कोई इमेज भी रख सकते हैं। तो देखिए एक खूबसूरत सा हमारा पैटर्न बन गया, और इसको हमने अच्छा कर दिया। इसको भी आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, ये वाले पोर्शन को यहाँ से लाके थोड़ा सा इसकी ओपेक इसको कम कर लेता हूँ। इसी तरीके से हमें अगर कोई कोर्स अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हम एडोब एलस्ट्रेटर, फोटोशॉप
और इन डिज़ाइन जो हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, और आई डी वाले बना सी होगा, इसको देख लेते हैं आई डी, ओके ठीक है, ये इसी तरह से, और इन्हीं की मदद से इनके कलर्स भी लिए जा सकते हैं। ये जो कलर्स हमारे पास चल रहे हैं, ये कलर है हमारे पास सियान टाइप का, मैजेंटा टाइप का, तो इन कलर्स के मुताबिक हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रश टूल की मदद से हम जो काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, और ब्रश टूल के अंदर क्या हमारा हो सकता है, इसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर आपने कभी बचपन में इस्तेमाल किया हो कि हम एक आर्ट ब्रश इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कटा हुआ पेन भी बोलते थे, तो वो कटे हुए पेन का भी अगर हम चाहें तो हमारे पास यहाँ मिल सकता है। मसलन हम यहाँ आते हैं और ये तो डैशेस आ रहे हैं, ठीक है, देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है। इन ब्रशेस का काम क्या होता है कि मसलन ये एक मोटा डॉट है और मैं कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, मसलन मैंने लिखा अज फर, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना एक ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे हमारा क्रॉस में पेन जो चलता है, तो ये मैंने क्लिक किया तो ये बारीक आ गया, ये मैंने क्लिक किया तो देखिए आप इसको, ये देखिए इसके अंदर इसकी जो नोकें हैं वो चेंज हो गई, ये देखिए इसका जो है ये पैटर्न चेंज हो गया। इसी तरह पेन अगर खड़े में हम चलाएँ तो ये किस तरीके से बनेगा, इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये राउंड में और चंद चीज़ों में लगता है, इसलिए हम अमूमन इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और इसका फ़ायदा है कि आप उर्दू में भी कोई चीज़ लिखना चाहें, क्योंकि ये तो आपका पेन है, आपने अलिफ लिखा, बे लिखा, ते लिखा, से लिखा, तो इससे क्या है कि आप इनकी मदद से भी वर्ड्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इनको चाहें तो इन लाइन्स को वही कटे हुए पेन वाले स्टाइल से भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा हम एक पेन को अगर हम क्रॉस करते हैं और कट करते हैं उसके बाद जब लिखते हैं, तो ये आप सारी चीज़ें इसकी मदद से लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा एक इशू ये है कि मैं हूँ लेफ्टी और राइट हैंड से माउस को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे कहीं कहीं अपनी कुछ ड्राइंग या कुछ चीज़ें बनाने में बहुत इशू आता है, क्योंकि जो पावर मेरे उल्टे हाथ में है वो सीधे हाथ में नहीं है, लेकिन माउस चलाने का पावर सीधे हाथ में है, उल्टे हाथ में नहीं है। तो लेफ्टी होने का एक कभी कभी थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है कि आप जो है माउस आपका थोड़ा सा कंट्रोल करने में, कोई चीज़ लिखने में, कोई चीज़ ड्रॉ करने में जो है ना कभी कभी थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो बहरहाल अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रश टूल, जो पेंट ब्रश टूल है आपका, ये किसी हद तक थोड़ा बहुत मैं बस एक इंट्रो आपको इसका दे पाया हूँ। इसके अंदर हमारे पास अनलिमिटेड चीज़ें मौजूद हैं, अनलिमिटेड चीज़ें मौजूद हैं जो काम हम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें समझाना मकसूद थी कि ये पेंट ब्रश टूल क्या काम करता है। इसी ब्रश टूल की मदद से आगे और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अस्सलाम वालेकुम।